ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम जयराम ठाकुर दो दिन धर्मशाला में जन सवाई करते रहे, लेकिन वे दो साल में प्रदेश सरकार की धर्मशाला को दी गई एक भी सौगात नहीं गिना सके। सीएम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने दो साल में धर्मशाला को क्या दिया, उसके बारे में भी जनता से संवाद जरूर करें। ये बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दो दिन धर्मशाला में जनसभाएं करते रहे, लेकिन दो साल में प्रदेश सरकार की धर्मशाला को दी गई एक भी सौगात गिना नहीं सके। सीएम इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन सरकार ने दो साल में धर्मशाला को क्या दिया, उसके बारे में जनता से संवाद जरूरी है। ये शब्द नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए कही। अग्निहोत्री ने कहा कि नगर निगम का गला घोंटने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। निगम को विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। निगम अपने दम पर जैसे तैसे विकास कार्य करवा रहा है। स्मार्ट सिटी का तो ऐसा हाल है कि इसके लिए प्रदेश सरकार कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं करवा रही है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने स्टेडियम और सीयू के शिलान्यास के रूप में अपनी उपलब्धियों का व्याख्यान किया। स्टेडियम बीसीसीआई ने बनाया है और सीयू का शिलान्यास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। सीएम ये बताएं कि उनकी सरकार ने धर्मशाला के लिए क्या किया। जहां तक इन्वेस्टर मीट का सवाल है, ये ग्लोबल एमओयू साइनिंग फेस्टिवल है कि आप ग्लोबली दुनिया देश दुनिया के लोगों को बुला के यहाँ एक उत्सव मनाना चाहते हैं, लेकिन ये रेत का महल है, ये बिखर जाएगा। आप कहते हैं 75,000 करोड़ के आपने MOUs कर दिए, उनमें 60,000 करोड़ के MOU तो वो हैं जो पिछले सरकारें जो है जिन पे काम करती रही हैं, जिन पे कांग्रेस सरकारों ने काम किया, पूर्व की भाजपा सरकारों ने काम किया, वो 60,000 करोड़ के तो वो हैं नहीं है, तो सूची हम जारी कर देंगे। और साथ में आप सरकारी बिजली की कंपनियों के साथ समझौते कर रहे हैं, जो कारखाने जो बिजली के प्रोजेक्ट्स नहीं बने उन पे आप जिन कंपनियों ने छोड़ दिए वो अपने जो है सरकारी कंपनियों के साथ समझौते कर दिए, जिनमें आपका भी हिस्सा है, आप अपने साथ ही MOU करते जा रहे हैं। तो ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। असल में सरकार को देखना चाहिए कि आप 60,000 करोड़ के डेब्ट में हैं, आपके पास मंदी का दौर चल रहा है, कोई बूम तो है नहीं। मंदी के दौर में आप जो है चॉपर्स हायर कर रहे हैं, लग्जरी व्हीकल्स ला के और जो है भारी भरकम तामझाम के साथ आप सैकड़ों करोड़ रुपया यहाँ खर्च करने जा रहे हैं, लेकिन आपको इस पे भी वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि आप कितना खर्च कर रहे हैं और क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। ये जो है जैसा पूरे देश में पूरे संसार में माहौल है, लोगों के कारखाने बंद हो रहे हैं, करोड़ों नौकरियां छिन रही हैं, ऐसे में आप जो है MOU का उत्सव मना रहे हैं, ये हमें कहना है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय स्टाफ से भी चुनाव प्रचार करवाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर सारी अफसरशाही को धर्मशाला में आचार संहिता के दौरान एकत्रित करने के नाम पर आचार संहिता का उल्लंघन करने की दिशा में अगला कदम भी बताया। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि इन्वेस्टर मीट फिलहाल हो हल्ला ही है, जबकि हकीकत यह है कि पुराने MOU को रिन्यू करके और सरकारी कंपनियों से MOU करके कामयाबी का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यहां तक कि बिल्डरों को भी बुलाया गया है और धर्मशाला और प्रदेश को बेचने का काम किया जा रहा है, जिससे हिमाचल कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। की बात है, 17 तारीख को कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं अपने ऑफिशियल मशीनरी लेके। अरे भाई, चुनाव धर्मशाला में हो रहा है, धर्मशाला में आप अफसरों की सरकारी मशीनरी लेके 4 दिन के लिए रुक नहीं सकते। 21 को चुनाव है, आप सारी सरकारी तंत्र लेके यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं, आप आचार संहिता का उल्लंघन करने जा रहे हैं, तो ये तौर तरीके ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री के ऑफिस के भी जो अफसर हैं, अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री के OSD वो प्रचार में, उनको तो सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं, अब वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो अब प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकते। तो आपके अगर OSDs प्रचार में आए हुए हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है और उनको जो है वापस शिमला का रास्ता देख लेना चाहिए। थैंक यू सर।